अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी, जो है पिज़्ज़ा फ्राइज़। आप इसे लोडेड फ्राइज़ भी कह सकते हैं। तो आइए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 आलू, उन्हें धो के अच्छे से फ्राइज़ की सूरत में काट लेंगे। उसके बाद उन्हें ठंडे पानी में भिगो के कुछ देर के लिए रख देंगे। अब हम चिकन लेंगे, 2 पाउंड चिकन, बोनलेस स्मॉल पीसेस में मैंने लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, टिक्का मसाला ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 4 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 3 टेबलस्पून ही ऐड किया है। अब इस मसाले को चिकन में अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। अब एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें फ्राइज को कुक करेंगे। साथ ही एक दूसरे पैन में ऑयल गरम करके हम मैरिनेटेड चिकन को भी फ्राई करेंगे। मेक श्योर करें कि फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई हो। और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छे से टेंडर ना हो जाए। फ्राइज को कुक करने के दौरान चम्मच जो है वो हिलाती रहें। फ्राइज हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के फ्राइज और चिकन को हम ऐसे ही रेडी करेंगे। अब एक डिश में हम फ्राइज की एक लेयर लगाएंगे। मेक श्योर करें कि डिश या पैन आप वो यूज़ करें जो ओवन प्रूफ हो। इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब ऐड करेंगे चीज़, मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड की है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा मज़े की डिश बनती है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे बेल पेपर, थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो पाउडर छिड़क देंगे। डिश हमारी रेडी है, अब हम इसको ओवन में बेक करने के लिए रखेंगे। 350 डिग्रीज पे मैंने इसको रखा है और 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद चेक करेंगे, जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि डिश हमारी रेडी हो गई है। तो लीजिए, हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।